हेलो हाय दुआ सलाम नमस्ते, मैं आपका दोस्त रोहन पांडे सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारी अपाचे आरटीआर 200 BS6 ड्रैको, और इस वक्त आज वापस हमारे साथ हैं फिट मोटोटेक भावेश जैन। थैंक यू आपने इतना सपोर्ट किया। आई नो मेरा वो जो इसके पहले वाला जो वीडियो था एवरेज वाला, वो किसी को जमा नहीं, इनफैक्ट मुझे भी नहीं जमा कि आप वो 60 का एवरेज कैसे दे सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, बाइक को मेरा बाइक एक्चुअली मैं अभी तक देख सकता हूँ 1038 किलोमीटर चल चुका है, और मैंने ट्रिप वन में करके रखा है, 30 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है और फुल टैंक है। तो मैंने क्या सोचा इस बार कैसा एवरेज निकालूंगा, ये जब तक एक कांटा गायब नहीं होता ना तब तक मैं इसको चलाऊंगा, और जब एक कांटा जाएगा मैं वापस रिफ्यूल करता हूँ 60-80 किलोमीटर्स पे, फिर देखता हूँ कितना एवरेज दिया है मुझे। और अभी तक मैंने इस पर एक बार हाईएस्ट स्पीड टच किया है, 131 का सबसे हाईएस्ट स्पीड मैंने टच किया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है rohan210896। चलो स्टार्ट करते हैं, और ये आप कहाँ भी ट्राई मत करना मेरा देख के, तो स्टे ट्यून जुड़े रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, रोड खाली है, वाइजर करता हूँ क्लोज। थ्री टू वन गो। मुझे ना और लगता है कि बाइक है ना इसमें 6 गियर होता था और मज़ा आता, और ये बाइक और ओपन अप होगा सेकंड सर्विस के बाद में इसका टॉप स्पीड और जाएगा। अभी मैंने इसको टच किया था 136, एक बार वापस ट्राई देते हैं। अभी चले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इस पर 136 अचीव किया है, अब मैं जब तक इसको ज़ीरो पे नहीं कर दूंगा ना इस पर मुझे हाई स्पीड दिखेगा। अचीव 136 का हाई स्पीड था, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें 0 to 60 मैंने अभी कितने सेकंड्स में टच किया। 0 to 60 9.2
9 सेकेंड्स ही है, कोई बात नहीं, बट ये थोड़ा और स्पीड जा सकता था। और रही बात इसकी स्टेबिलिटी की, तो हाँ मैं एक बात मुझे माननी पड़ेगी कि हाँ अपाची RTR 200 की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है BS6 की, और इसका जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट एक बात से मैं काफ़ी अपसेट हूँ कि इसका अभी तक सिर्फ फर्स्ट सर्विस ही हुआ है, इसके लिए मुझे इसको थोड़ा खींचना पड़ रहा था, गाड़ी थोड़ी खींच रही थी, बट मुझे लगता है कि सेकेंड सर्विस के बाद में इसकी इंजन पूरी ओपन अप हो जाएगी, जिसकी वजह से हम और इसको भागा पाएंगे आगे चल के। सो 1 लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और एक्चुअली मुझे इसके पीछे का रीज़न क्या लग रहा मालूम है, 136 ही गया है। दो रीज़न है इसके पीछे, पहला तो है वाइज़र जो मैंने लगाया हुआ है ना, ये वाइज़र मुझे लगता है ना भविष्य इसके वजह से भी कुछ काफ़ी एरोडायनामिक्स से फ़र्क पड़ता है, तो थोड़ा स्लो होता है, तो अगर मैं हटा दूँ ना ये तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना मुझे को घाई नहीं हटाने का। ये होगा फर्स्ट, पहला कि विंड की वजह से नहीं जा रहा है। और सुन, अगर है ना प्लेन रोड पे लेके जाएंगे ना गाड़ी को तो 140 प्लस टच करेगी 100% है ना। हाँ, अगर ये हटा दिया ना तो प्लेन रोड पे 140 टच करेगा। सेकंड रीज़न है अभी तक इसका सिर्फ फर्स्ट सर्विस ही हुआ है। सेकंड सर्विस होने के बाद में मोस्टली सब बोलते हैं कि सेकंड सर्विस होने के बाद में जो रियल पावर होती है ना गाड़ी में, वो सेकंड सर्विस होने के बाद आती है। हाँ, मैं सेकंड सर्विस के बाद में भी इसका टॉप स्पीड अपलोड करूँगा मैं। सो आई होप आपको वेरी क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के थ्रू कि अपाची कितने टॉप स्पीड जा सकती है। कमेंट करिए आपका कितना टॉप स्पीड रहा है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फिट मोटोटेक, ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन आता होगा। ये छोटा वीडियो था और इसको कहाँ भी ट्राई मत करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइट सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।